एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सोफी का बॉडी फिट ओवरनाइट पैड। तो दोस्तों, ये नाइट पैड है और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नैपकिन है। इसका साइज है 420 मिलीमीटर और इस पैकेट में आपको 3 पैड्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो मैंने ये ऐसे 4 पैड्स मैंने खरीदी है और ये मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीप पीसफुली कीप्स हाइजीन ऑल नाइट और ये ट्रिपल एक्सेल साइज का है, 420 mm लॉन्ग है इसका साइज। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिवेंट लीकेज अंटिल मॉर्निंग नो मैटर इन विच पोजिशन यू स्लीप। वाइडर हिप गार्ड है इसमें, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें है वाइडर हिप गार्ड। कवर्स योर पैंटी फ्रॉम द बैक फॉर एक्स्ट्रा कवरेज टू प्रिवेंट स्टेन्स इवन ऑन हैवी फ्लो नाइट्स। तो ये आपको एक्स्ट्रा कवरेज और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है हैवी नाइट्स के लिए। और ये नाइट पैड है और हर लड़की के पास ऐसा एक नाइट पैड होना चाहिए ताकि आपको कोई। तो दोस्तों, ये जो नाइट पैड है हर लड़की के पास होना चाहिए ताकि सब लड़कियां सेफ फील करें और हेवी फ्लो के दौरान लीकेज ना हो और आपके कपड़े या बिस्तर में स्टेन ना लगे। दोस्तों, स्टेन फ्री रहना चाहिए हम लोगों को। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसमें है फ्लेक्सी एब्जॉर्ब सिस्टम मेक्स द नैपकिन मूव विथ योर बॉडी टू प्रिवेंट लीकेज, ये लीकेज को प्रिवेंट करता है। और इसमें है डबल एब्जॉर्बेंट कोर फिट्स द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्स डायरेक्टली इन द सेंटर, ये जो पीरियड ब्लड है वो एकदम सेंटर में एब्जॉर्ब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हाउ टू यूज में लिखा हुआ है और इसे डिस्पोज भी कैसे करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, दिस इज मार्केटेड एंड इंपोर्टेड एंड मार्केटेड बाय यूनिजम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर इन अ हाइजीन कूल एंड ड्राई प्लेस। आप एक कूल एंड ड्राई प्लेस पे ही इसे स्टोर करना। स्टॉप यूजिंग इफ इरिटेशन ऑकर्स और यहाँ पे कस्टमर फीडबैक दिया गया है, आप चाहो तो यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सोफी इज जापान्स नंबर वन सैनिटरी नैपकिन ब्रांड बेस्ड ऑन इंटेज और यहाँ पे 3 नैपकिन्स आपको मिल जाएंगे, एक में 3 नैपकिन्स मिल जाएंगे और बेस्ट यूज्ड बिफोर 3 ईयर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डेट, 3 ईयर्स से पहले ही आपको यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप पीरियड्स के दौरान आप ट्रैवलिंग ना करो तो ही अच्छा है। ट्रैवलिंग का मतलब है आप आउट ऑफ स्टेशन कहीं घूमने जाओ तो ना ही बेहतर है। पीरियड्स के दौरान अगर आप ना ही घूमने जाओ तो ही बेहतर है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अगर स्टेन वेन लग गया तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है या डिस्कम्फर्ट आपको हो सकती है पीरियड्स के दौरान अगर आप ट्रैवलिंग करो तो। मगर सपोज अगर आपका पीरियड्स डेट से पहले आप हो गया तो आप क्या करोगे, तो आपको तब तो पैड यूज़ करना ही पड़ेगा। तो नाइट टाइम ड्यूरिंग मतलब अगर आप जब आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो नाइट टाइम के लिए ये बेस्ट रहेगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देगा और इसमें 3 पैड्स आप लोगों को मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसे खोल के एक बार दिखा देती हूँ। वाओ, ये कितना बड़ा पैड है, आप लोग देख लो, आप लोग देख लो कितना बड़ा है ये पैड और यहाँ पे होल्स भी है। दिस इज ह्यूज। तो मैं यही कह रही थी।
तो मैं ये कह रही थी कि आप पीरियड्स के दौरान 4-5 दिन आप ट्रैवलिंग ना करो, मतलब घूमने मत जाओ, उसके बाद आप घूमने जाओ तो ही सबसे बेहतर है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मैं पीरियड्स के दौरान मैं ज़्यादा मतलब बाहर घूमने नहीं जाती, मतलब बाहर घूमने नहीं जाती, मतलब आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाती। तो अगर सपोज हो गया पीरियड उसके दौरान, तो आप ये वाला यूज़ कर लेना। मैं इसे एक बार खोल के आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 स्टिकर्स है, आई मीन जस्ट दिस इज ह्यूज। ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देगा आप लोग आपको। और इसे यूज करना बहुत ही इजी है। आई मीन ये तो मुझे डबल पैड लग रहा है ऐसा। ये सिंगल है मगर मुझे डबल, मतलब डबल मटेरियल से बना हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों आप लोग देख लो अच्छे से। तो यहाँ पे जो पीछे का स्टिकर है, इसे बस रिमूव करके अपने पैंटी के ऊपर स्टिक करना है। और ये पीछे जो आई मीन ये जो पेपर है, ये जो विंग्स है, ये पैंटी के पीछे ऐसा चला जाएगा और बस पैंटी को पहन लेना पड़ता है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देगा आप लोगों को, कोई डर नहीं आपको। और ये लॉन्ग टाइम के लिए मतलब बहुत ही अच्छा है। ये नाइट पैड के मतलब हिसाब से एक मतलब एक बहुत ही अच्छा पैड है, आप लोग देख लो। तो दोस्तों जब भी आप रात को सोने जाओगे तब उससे पहले आप पैड को चेंज कर लेना, और सुबह जल्दी जल्दी उठ के पैड को आप चेंज कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा देर तक पैड को अगर पहन के रखोगे तो स्टेन लगने का चांसेस है। मगर अगर आप ऐसा करोगे, सुबह जल्दी जल्दी उठ के पैड को चेंज कर लोगे तो मतलब स्टेन ज़्यादा लगने के चांसेस नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, रात को सोने से पहले पैड को चेंज कर लेना और सुबह जल्दी जल्दी उठ के पैड को चेंज कर लेना। और जब भी आप इसे डिस्पोज करोगे तब इसे पेपर में, न्यूज़पेपर में रैप करके ही डस्टबिन में इसे फेंक देना, और इसे फ्लश मत करना, फ्लश करने से ये क्लॉग हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो सोफी बॉडी फिट ओवरनाइट के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा एक नाइट पैड है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। बाय दोस्तों।